हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोदवाइट आरबी। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं एडिंग एनिमेशन लोडिंग एंडिंग एनिमेशन बटन लोडिंग एडिंग एनिमेशन यूजिंग HTML एंड CSS सॉरी ओनली HTML एंड आई होप यू कैन एंजॉय दिस क्लास, एंजॉय लाइक माय वीडियो, शेयर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ बनाने का जा रहे हैं, ये बना रहे बटन लोडिंग एनिमेशन। आप देख सकते हैं ये आपकी वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो ये आप देख सकते हैं आज की वीडियो हम ये बनाने जा रहे हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं है index.html की फाइल को ले रहा हूँ, ओपन विद टूल्स अंदर है सबलाइन एरेस एरेस शेप। और फिर आप मैं यहाँ से इसे खोल लेता हूँ और फिर मैं सबलाइन खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा HTML पे टाइटल मैं लिख दूंगा लोडिंग बटन एनिमेशन, सॉरी लोडिंग बटन एडिंग एनिमेशन। और फिर करने के बाद बॉडी के नीचे बटन लिख दूंगा, बटन की क्लास दे दूंगा बटन लोडर एंडर स्पेल क्लास में दे दूंगा बटन टेक्स्ट एंटर लोडिंग। और फिर जब आपका इतना हो जाए तब मैं जब मेरा इतना हो जाता है तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से इधर ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे स्पेस दे देता हूँ। अब मैं स्टाइल दो CSS कोड लिखते हैं स्टाइल एंटर, यहाँ पे आपको लिख देना है रूट एंटर, रूट को आपको दे देना है माइनस माइनस फर्स्ट कलर में देता हूँ NHL में दे रहा हूँ 231.44% कॉमा 50% एंटर फर्स्ट कलर प्लस ऑल्ट NHL। अरे मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे मैं गया, अब इसे कॉपी कर लेते क्योंकि ये हमारी कॉपी करने की चीज है क्योंकि ये कलर है आप कोई सा भी दे सकते हैं। ओके आगे किया एंटर दबाया, इधर एंटर दबा दिया, इसके नीचे गए एंटर प्रेस किया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंटर बॉडी हाइट 100 VH एंटर मार्जिन सॉरी मार्जिन 0 एंटर डिस्प्ले ग्रिड एंटर प्लेस आइटम्स शुड बी सेंटर एंटर बैकग्राउंड कलर बार माइनस बॉडी कलर डॉट बटन लोडर बॉर्डर शुड बी नन एंटर आउटलाइन नन एंटर पोजीशन रिलेटिव एंटर padding 1.25 rem 2.5 rem enter background color should be my so we can I will go to the sorry so button loader background
colors will be var minus first color enter color var var will be text color font size 1rem already side by side sorry save here then refresh here you can see the lemma work is done enter press font family popage comma sans serif enter border radius 0.5rem enter box shadow 0 18 pixels 40 pixels SALA should be 231 56% and it is also 56 and it is 3 enter overflow shall be hidden enter cursor should be wait enter dot button loader should be before content enter position absolute top 0 left 0 enter width 150% enter height 100% enter background repeating linear gradient 60 degree comma transparent save then refresh so here you can see it till here my work is done so I go to here and transparent and then enter press then also transparent again aur fir yahan pe maine 0.75 rem फिर मैंने एंटर प्रेस किया फिर मैंने वार लिख दिया फिर वार मुझे दे देना फर्स्ट कलर स्लैश सेट और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.75 rem एंटर वार फर्स्ट कलर सेट sorry alt and it is also alt and it is 1.5 rem comma now to lemma work is done so enter press animation load 1 second infinite linear dot button text position relative enter at the rate keep frames load 0% transform translate should be x 0 enter 100% transform translate should be x it should be minus 1.75 rem then refresh it is save save and here we can write enter slash dash
लोडिंग बटन एनिमेशन देन सेव देन सो व्हाट सो की फ्रेम शुड बी लोड देन हियर ट्रांसलेट शुड बी एक्स ट्रांसफॉर्म शुड बी ट्रांसलेट माइनस 1.5 आ रही है कितने लेयर्स डन सो आई गो टू द अप एंड वी कैन राइट dot button text. So now I see my mistake. It is erase this A, okay? This erase, then save, then go here, then refresh. So here you can see it is built in. And I hope you can enjoy this class. Enjoy, like my videos, share your friends, subscribe to my channel. So for today, good bye.